हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। मैं आपका फिर से स्वागत है। आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। अपन नोट डाउन करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर संख्या के प्रकार या फिर नंबर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो नंबर जो होते हैं आपका, फर्स्ट नंबर जो होता है नेचुरल नंबर, कौन सा होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। लिखना हुआ तो बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर आर काउंटिंग, आर काउंटिंग, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर। गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर कहते हैं। डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? तो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू होते हैं हमारा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके के इन्फिनिटिव तक। कहने का मतलब है गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर, ठीक है। हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 करके कहाँ जाएगा? ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। ये सभी सभी क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, नंबर आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है? 0 जो होता है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 0 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, 1 इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 1 जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग को नेचुरल नंबर क्या होते हैं? गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। वो सभी संख्या जो 1 से शुरू होती है वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये एक होल नंबर के अंदर आता है। और ऑल सभी नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और 1 इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 क्या होता है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या है, ठीक है। 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सेकेंड है देखेंगे आप लोग, होल नंबर, होल नंबर, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हम लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हम लोग?
संख्या, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं लिखेंगे, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, देख सकते हैं इसको, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, एंड जीरो फॉर्म, कहने का मतलब है कि सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर को जीरो फॉर्म्स में लिखते हैं उसके सेट को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, होल नंबर को करते हैं डिनोट हम लोग W से, किससे करते हैं हम लोग W से होल नंबर को डिनोट करते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि जीरो का फॉर्म में, वो सभी सभी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से, देख लिख लेंगे हम लोग W इज इक्वल टू, जैसे मैं वन से शुरू होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सभी सभी क्या है, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये सभी होल नंबर है। जो हमारा नेचुरल नंबर था वो वन से शुरू होता था, और जो होल नंबर होगा हमारा वो जीरो से शुरू होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सभी सभी क्या है, होल नंबर है हमारा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, जीरो 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 इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जीरो क्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, होल नंबर आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव नंबर, होल नंबर आर आल्सो कॉल्ड ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर कहने का मतलब है कि होल नंबर जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, तीसरा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर्स। जो तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग इंटीजर, क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर, इंटी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले इंटीजर्स होते हैं होल नंबर और नेगेटिव नंबर के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। मतलब सॉरी, तो उसका लिखेंगे डेफिनेशन, होल नंबर एंड होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर के सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर नंबर कहते हैं। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग डिनोट करते हैं, हम
इसको हम डिनोट करते हैं आई से, किससे करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय आई, इंटीजर करते हैं हम लोग डिनोट आई से। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारा, जो इंटीजर नंबर हो जाएंगे वो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के माइनस थ्री, माइनस टू, फिर माइनस वन, अब आ जाएगा हमारा जीरो। ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। फिर क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट प्लस इनफिनिटी तो जाएगा हमारा। ये सभी सभी क्या है, हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। होल नंबर और निगेटिव नंबर के फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, सेट को क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर डालिएगा आप लोग टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा क्या होता है हम लोग निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई प्लस से, और निगेटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं हम लोग आई माइनस से। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, जितने भी आपका नेचुरल नंबर है, जितने भी क्या है नेचुरल नंबर है, वो सभी के सभी क्या होंगे हमारा, पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर, ये डॉट 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 कहाँ जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। और माइनस इन्फिनिटिव से जो होगा ये हो जाएंगे आपका माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डॉट डॉट डॉट, ये सभी कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, जो कि हमारा क्या है, ये निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, ठीक है। जितने भी आपका नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और जो माइनस से वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये सभी क्या है, निगेटिव इंटीजर है। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नोर, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नोर निगेटिव इंटीजर, नोर निगेटिव इंटीजर, जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को, वो है हमारा इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर, हिंदी में कहते हैं हम सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, वे सभी काउंटिंग नंबर जो कि दो से डिवाइड हो, मतलब
दो से कटने वाले जितनी भी नंबर होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, इवन नंबर, सम संख्या होते हैं, जो कि दो से पूरी तरह कट जाते हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं ए काउंटिंग नंबर, ए काउंटिंग नंबर नंबर व्हिच इज डिवाइडेड, ए काउंटिंग नंबर व्हिच इज डिविजिबल या डिवाइडेड, डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। वो सभी काउंटिंग नंबर जो कि दो से डिविजिबल हो वो सभी क्या होंगे, वो इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड इवन नंबर, इज कॉल्ड इवन नंबर, इवन नंबर। ये काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। दो से विभाज्य होने वाले वो सभी संख्या क्या होते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे हम देख लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, दो चार छ आठ दस बारह, इनफाइनाइट तक होंगे ये भी। ये सभी सभी क्या है, इवन नंबर है जो कि दो से डिविजिबल है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, द यूनिट प्लेस, द यूनिट प्लेस, द यूनिट प्लेस ऑफ इवरी इवन नंबर, ऑफ इवरी इवन नंबर, यूनिट प्लेस ऑफ इवरी इवन नंबर्स विल बी जीरो टू फोर सिक्स और एट। किसी भी संख्या जो इकाई का स्थान होता है अगर उसके जगह पर जीरो टू फोर सिक्स एट है वो सभी क्या हो जाएंगे, आपका इवन नंबर तो है ही, प्लस ये क्या होंगे, दो से सभी डिविजिबल भी होंगे। ठीक है, मैं आपको डिविजिबल जब पढ़ाएंगा, मैं डिवीजन का रूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है हमारा ओड नंबर होता है, चौथा क्या पढ़ना हमको, ओड नंबर पढ़ना है, ओड नंबर, ओड नंबर्स मतलब विषम संख्या। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग, ए ओड नंबर, ए काउंटिंग नंबर, ए काउंटिंग नंबर विच इज, ए काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। तो लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है, डिविजिबल बाय टू। वो सभी काउंटिंग नंबर जो कि दो से डिविजिबल नहीं हो, दो से पूरी पूरी विभाज्य नहीं हो, वो सभी सभी क्या कहलाएंगे, ओड नंबर कहलाते हैं, मतलब विषम संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे हम लोग, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन थर्टीन सोन, ये सभी के सभी इन्फिनिट तो जाएंगे, ये सभी के सभी क्या हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, जो कि दो से कभी भी डिविजिबल नहीं होंगे, दो से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ मिल जाएंगे हमें,
जो कि ये ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, द यूनिट प्लेस ऑफ इवन ओड नंबर विल बी द यूनिट प्लेस प्लेस ऑफ इवरी इवरी ओड नंबर ओड नंबर नंबर विल बी 1, 3, 5, 7 और 9। इकाई के स्थान पर अगर आपको 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर आपको 1, 3, 5, 7 और 9 दिखें, वो सभी सभी क्या होंगे, हमारा ओड नंबर होंगे। ठीक है, सभी क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्राइम नंबर, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या पढ़े हम लोग, प्राइम नंबर, पांचवा डालेंगे हेडिंग आप लोग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। नॉन प्राइम नंबर, तो नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ प्राइम नंबर होते क्या हैं। वे सभी काउंटिंग नंबर जो कि वन और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, वो सभी सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या होते हैं। मतलब ए काउंटिंग नंबर, ए काउंटिंग नंबर, ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, ए काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, कॉल्ड ए प्राइम नंबर नंबर व्हेन इट इज when it is exactly divisible by one and itself। कहने का मतलब है वो सभी काउंटिंग नंबर जो कि वन और ये खुद से इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो, वो सभी सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थ्री फाइव सेवन, हमारा नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन जो है वन थ्री और नाइन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन थ्री क्या होंगे, थ्री का जो है, जो थ्री है हमारा, थ्री क्या है, ये केवल वन और थ्री से ही डिविजिबल है। फिर फाइव, फाइव क्या हमारा, वन और फाइव से डिविजिबल है। सेवन, सेवन क्या हमारा, वन और सेवन से डिविजिबल है। कहने का मतलब है जो जिसके गुणनखंड एक और केवल वो संख्या खुद हो, वो सभी सभी क्या होंगे, हमारा प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो जाएंगे हमारा, थ्री, टू भी हमारा एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि टू भी जो है, टू भी जो है वन और टू से हमारा डिवाइड होगा। ठीक है,
11 हो जाएंगे हमारा, 13 हो जाएंगे हमारा, फिर 15 नहीं होगा हमारा, 17 हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएंगे, ये सभी के सभी क्या हमारा ये प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।